गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी बज चुके हैं सुबह के 11। यहाँ पे बारिश हो रही थी, देख पा रहे हो पूरा ग्राउंड गीला है। नहीं दिख पा रहा तो कोई बात नहीं, रोड देख के ही समझ जाओगे। आज मैं जा रहा हूँ हरिनी को लेके, थोड़ा काम है एक दोस्त के घर पे, और रास्ते में रोहन को भी पिक कर लेंगे। बस ये बारिश हो रही थी तो लगा कि आज जाना तो होगा नहीं, लेकिन अभी बारिश जो है रुक गई है एंड मौसम ठंडा ठंडा हो गया, इसीलिए बाइक लेके निकल गए हैं। सोचा कि एक मोटो व्लॉग भी बना देते हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग देखो और एंजॉय करो। अरे ये टैक्सी को देखो जरा, पूरा ऊपर एकदम पेड़ वेड़ लगा के रखा है, मतलब सही है, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। कहाँ पे? मैं रानी कुटी पे खड़ा हुआ हूँ, मेन रोड पे। तो अभी रोहन को उसका हेलमेट दे देंगे, वो लाना भूल गया है, तो मैं अपना हेलमेट ही दे दे रहा हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा था तो ये वो पहन लेगा। ये मेरा पुराना मोटो व्लॉगिंग सेटअप था, यहाँ पे देख पा रहे हो ये लगा हुआ है, इसको रख देते हैं पीछे। हाय बोल दे कैमरा में। अरे हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है यार, बारिश ना होगा। हाँ भाई, बारिश नहीं होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ बारिश आएगा ना तो मैं गोप्रो को अंदर डाल दूँगा, क्योंकि जब मोटो व्लॉगिंग सेटअप ऑन रहता है ये माइक वाइक सब जाता है, अडाप्टर जाता है, तो गोप्रो जो है वाटरप्रूफ नहीं होता। ऐसे नॉर्मली गोप्रो वाटरप्रूफ ही होता है, मतलब आप अगर उसका प्रॉपर एकदम डोर ला कर रखोगे तो इट इज़ वाटरप्रूफ, लेकिन जब ये उलानजी का व्लॉगिंग केस अडाप्टर वडाप्टर घुसाते हो तब इट इज़ नो मोर वाटरप्रूफ। ये बेहाला जाने के लिए इतना गली कूचा है ना, क्या वाह रे वाह, वाओ हो गया। सामने तो गाड़ी अनलोड हो रहा है, मतलब बेहाला चौरा सही दिखे तो। हाँ अच्छा, ये बेहाला का रोड सब में ना बाइक चलाने में एकदम माथा का भुजिया बन जाता है सही में, क्योंकि टॉलीगंज तक ठीक है, उसके बाद जो गली कूचा में डालता है ना बेहाला जाने के लिए, और यहाँ का रास्ता सब इतना टूटा फूटा, इतना गाड़ी, और रास्ते में बीच बीच में जानवर भी आ जाता है, गाय वाय कुत्ते वुत्ते एकदम अचानक से आ जाते हैं, माथा एकदम खराब हो जाता है सही में। ये सिग्नल तुम लोग को दिख रही है, आके क्यों खड़े हो गए? मेरे को पहले लगा कि हम लोग को रोकने के लिए चेकिंग वेकिंग करने के लिए ऐसे कर रहा है, लेकिन नहीं, फिर पता चला कि ये तो सिग्नल में लाइन पे खड़ा करवा रहे। फाइनली यार द रोड्स आर सो गुड इधर पे, इतना देर में ऐसा ट्रैफिक में चलाने में ना बहुत मगजमारी होती है, खाली सड़क में जाने से तो भाई कोई टेंशन ही नहीं। सामने NS 125 खड़ी हुई है, एक के उतना ज़्यादा ये नहीं लग रहा है, मतलब 200 और 125 में उतना ज़्यादा बॉडी में डिफरेंस है, पीछे का जो टायर्स है वो थोड़ा बस नैरो कर दिया है, लेकिन उतना भी नहीं। अरे काका क्या करते हैं बिना देखे, एकदम हाथ में चिपका दिया था मेरे। ओ देखो भाई, केला का छिलका फेंक दिया बस से। क्या लेना है? राइट राइट, अरे खोला था अभी, बंद कर दिया। जा ही ना दादा, नतुन एस चल में ये रोड पे चला के मेरे को ऐसा दीघा हाईवे का फीलिंग आ रहा है। इधर पे थोड़ा ऑफ रोडिंग है, किस तरफ? सीधा। वो देखो वाटर क्रॉसिंग भी है यहाँ पे, इधर पे थोड़ा आराम से जाना पड़ेगा।
अरे 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 बहुत पानी है इधर पे तो। बहुत पानी है, गीला है, मड है, सब कुछ ही है। किस तरफ? सीधा सीधा, ओके। बहुत पानी इधर पे, पूरा फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ चलाना पड़ता है। इधर जाता हूँ, इधर जाता हूँ। घर किस तरफ है? अच्छा अंदर है। गाइस सुबह से शाम हो चुकी है, शाम के बज चुके हैं 7। रिकॉर्डिंग हो गया है डन, बहुत मज़ा आया और बहुत मेहनत वाला प्रोसीजर होता है सॉन्ग रिकॉर्डिंग का। म्यूज़िक ये लोग खुद से बनाते हैं तो वो सब करने में गाइस बहुत टाइम लगता है, मतलब नॉर्मल है इतना टाइम लगना, इतना हार्डवर्क। तो जो भी हो, बहुत कुछ सीखने को मिला, मस्ती भी किया, हंसी मजाक हुआ। रात का टाइम है, ये तरफ जो रास्ता होता है वो थोड़ा सा रिस्की होता है, हाईवे टाइप का है ना, लोग एकदम हाई बीम चला के जाते हैं। इसीलिए मैंने अभी वाइज़र भी डाउन नहीं किया है, क्योंकि मेरा टिंटेड वाइज़र ऐसे ही कुछ दिखेगा नहीं, दिन के टाइम के लिए है वो, तो इसीलिए ऑडियो में थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी का सवाल है ना। तभी गाइस रोहन हमारे साथ नहीं है, वो उधर ही पर रुकेगा, क्योंकि गाने में थोड़ा सा कमी था तो वो पूरा रात अभी अच्छे से रिकॉर्ड करके एडिट करके एक बार में कल घर जाएगा। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो मैं निकल जाता हूँ घर, अपना काम कर लो। गड्ढा था कितना बड़ा, डॉज कर लिया, जो कि मेरे को करना नहीं चाहिए था ऐसे, क्योंकि पूरा ग्रेवल भरा हुआ है इस रोड पे, क्योंकि स्केट करने का बहुत चांसेस था। मैंने पीछे और सामने का ब्रेक्स एक साथ दबाया, उतना बड़ा गड्ढा देख के, गड्ढा से मतलब जैसे भी करके, मतलब सीधा रहता ना बाइक तो बैलेंस कर लेते, लेकिन ये टेढ़ा किया मैंने, बहुत बड़ी गलती की, ये नहीं करना चाहिए था। ओह थैंक गॉड, धीरे धीरे ही जाएंगे। इतना गड्ढा है बाप रे इस रोड पे, देखिए ये रोड के बीच में बजरी और रोड़ी दोनों दिखाई नहीं दे रही है। अरे आप ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा ना, उसके लिए दूरबीन लेना पड़ेगा। टॉलीगंज, टॉलीगंज, टॉलीगंज। अच्छा इधर के तो ठीक है, तो पुलिस वालों से हेल्प ले लिया, क्योंकि मेरे बाइक में मोबाइल होल्डर नहीं है एंड बार बार ऐसे रोक के अगर फोन में देखूंगा ना बहुत टाइम लग जाएगा यार, इसीलिए लोगों से ही पूछ पूछ के चले जाएंगे। और फ़ोन में बैटरी भी कम है मेरा, रास्तों में देखो मतलब इतना बड़ा रास्ता, मेन रोड से गाय एकदम बीच से चल रही है, दिस इज़ वेरी रिस्की यार, देख रहे हो ना, एकदम सड़क के बीच से जा रही है। ये एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, चलो लेकिन निकलते हैं, वो लोग अपना समझ जाएगा। यहाँ से हम ले लेंगे शॉर्टकट सीधा जहाँ पे ये बस जा रहा है, ये टॉलीगंज की तरफ है, और मैं अपने घर के लिए ले लूँगा यहाँ से राइट, यहाँ से मेरा शॉर्टकट हो गया। यहाँ पे बहुत ही केओस जमता है यार, बहुत केओस जमता है इधर पे। देखना, देखो देखो देखो, इधर से गाड़ी उधर से गाड़ी, अभी क्या करे। ये हर बार इधर पे ऐसा एक हर बार अटकता हूँ आके, दोनों तीनों तरफ से गाड़ियाँ एकदम एक साथ आ जाती है और रोड ब्लॉक कर देती है। ऑलराइट गाइस, तो घर के सामने आ गए हैं, इस वीडियो को इतना दूरी रखते हैं। पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, एंड कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहाँ पे जाके ज़रूर से कमेंट करो। तो मैं मिलता हूँ ऐसे किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।